अगर ऐसी ही शक्ल बना के मुझे हर मूवी में एक्टिंग करनी पड़े तो आप मुझे क्या बोलेंगे? प्रभास। हाँ पता है प्रभास फैंस, आपको ये बात सुन के बुरी लगेगी पर मैं क्या करूं, उनके एक ही एक्सप्रेशन रहते हैं हर मूवी में और प्रोजेक्ट के इस ग्लिम्स में भी वही एक्सप्रेशंस मुझे देखने को मिले हैं। तो हेलो हाय एंड कैसे हैं, वेलकम टू द मिनी टॉकीज और आज हम बात करने वाले हैं फटाफट एकदम प्रोजेक्ट के ग्लिम्स के बारे में। प्रोजेक्ट कल की 2898 AD। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले से ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी बिकॉज यार प्रभास का ग्राम बहुत ही ना बेकार जा रहा है और आदि पुरुष के बाद तो ना एक अंदर से चिढ़ हो गई है मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली इतनी सारी मूवीज में सेम एक्सप्रेशन ये ब्यूडे जैसे एक्सप्रेशन देने के बाद भी उन्हें कास्ट और रिकास्ट किया जा रहा है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। बट देन उसमें दीपिका पादुकोण ऐड होती हैं, अमिताभ बच्चन ऐड होते हैं और अब तो कमल हसन भी आ रहे हैं एज अ विलन इन द मूवी, तो मेरी होप्स थोड़ी हाई हो जाती हैं। बट उसके बाद क्या होता है, ये एक घटिया सा पोस्टर लॉन्च कर देते हैं। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है यार पता है ये एक फटीग आ गया है इंडियन सिनेमा में फॉर टीजर्स, प्री टीजर्स, ट्रेलर्स, प्री ट्रेलर्स, पोस्टर्स, प्री पोस्टर्स, फर्स्ट लुक, सेकंड लुक, थर्ड लुक, प्रीव्यू, प्रीव्यू विद यू, जिसकी वजह से ना मेकर्स कुछ भी भलता बना के और ऑनलाइन डाले जा रहे हैं। आजकल ग्राफिक डिजाइन इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हर किसी को पता चल जाता है कि जब वो एक शादी सा काम होता है जैसे कि आदि पुरुष के पोस्टर्स में हुआ था और प्रोजेक्ट के फर्स्ट लुक्स में भी हुआ था और जब वो बहुत ही अच्छा काम होता है जैसे जवान का प्रीव्यू आया है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि यार इंटेंशन क्या है मेकर का, क्या मेकर सीरियस है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के बारे में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि प्लीज फिल्म मेकर्स, इंडियन सिनेमा, प्लीज 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 फॉर हेवन सेक, ये फर्स्ट लुक, सेकंड लुक, थर्ड लुक, फोर्थ लुक, प्री टीजर, टीजर, प्रीव्यू, प्री ट्रेलर, ट्रेलर, ये सब डालने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी जो न्यूज आती रहती है प्रोजेक्ट के में अभी ये ऐड हुए हैं, प्रोजेक्ट के में अभी वो ऐड हुए हैं, प्रोजेक्ट के की शूटिंग अभी चल रही है, अभी खत्म हो रही है, ये जो न्यूज आर्टिकल्स आ रहे होते हैं ये अपने आप में हाइप बनाने के लिए काफी होते हैं। इसी के बीच में आप एक गंदा सा पोस्टर अगर डाल देते हैं तो दैट जस्ट किल्स एवरीथिंग, ऑल योर मार्केटिंग एफर्ट्स आर गॉन बिकॉज उसके बाद में पब्लिक एक्सपेक्टेशन वही सेट हो जाती है। Then I was still waiting for this glimpse, Project K ka glimpse and its real name, jo ki release hua Comic Con mein in the US. Now I beg to disagree with most of the reviewers, but I did not like the first टीजर। मेरी जो फर्स्ट लुक वाली फीलिंग थी कि अरे क्या है ये अनदर आदि पुरुष, वो थोड़ी सी बेटर हो गई है कि हाँ चलो उतना बुरा नहीं होने वाला जितना आदि पुरुष था, बट देन स्टिल यू नो इट जस्ट टू मी इट लुक लाइक अ फैन मेड टीजर। ट्रस्ट मी, मतलब प्रभास का सेम लुक आ रहा है, सेम वही गुस्से में ऐसे ब्योड़ी शक्लें, ब्योड़ी आंखें बना के ऐसे वाला लुक और वो वेपन्स पकड़ रहे हैं, सीन इट ऑल, नो अदर एक्सप्रेशन। दीपिका को देखकर थोड़ा थोड़ा बेटर लगा बट अगेन वेरी कंफ्यूजिंग। अमिताभ बच्चन की आंखें देखकर बहुत अच्छा लगा एंड आई एम होपिंग यार कि अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे बड़े बड़े स्टार्स ने इस मूवी के लिए हाँ कहा है तो देर हैज टू बी समथिंग, सो आई वुड डेफिनेटली गिव दिस मूवी अ चांस। बट अभी तक मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट के ने कुछ भी नहीं किया है। प्रोजेक्ट कल की 2898 AD इसका नाम है और नाग अश्विन इसके मेकर हैं, हमें काफी सारी उम्मीदें हैं बट ट्रस्ट मी मुझे ये टीजर इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब अब इस टीजर से हमें यह अंदाजा तो लग गया कि ये फ्यूचरिस्टिक मूवी है जहां पे तबाही मच चुकी है, अर्थ वर्थ सब नाश हो चुका है, किसी और प्लैनेट पे हैं, वहां के लोग रिसोर्सेस के लिए लोगों को स्लेव बनाए हुए हैं, इन्वेजन्स हो चुके हैं एंड हम स्लेवरी में जी रहे हैं और वो स्लेवरी को तोड़ने के लिए फिर आई थिंक कल्कि आते हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर्स में लिखा है विष्णु के अवतार कल्कि आएंगे। वेरी सिंपल, वेरी फ्यूचरिस्टिक बट आई होप द एग्जीक्यूशन इज फ्यूचरिस्टिक एज वेल। ट्रस्ट मी, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड to the trailer and hoping that trailer generates more love from my side for this movie than what the teaser did. आपको कैसा लगा टीजर प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बताएं, गाली देनी है तो गाली दें, अच्छा बोलना है तो अच्छा बोलें, आपको जैसा भी लगता है आप बताएं। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू मिनी टॉकीज, प्रेस द बेल आइकॉन, लिव फ्री एंड शाइन ऑन एंड पीस आउट अंटिल द नेक्स्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। सी या।